सड़कों से बड़े बड़े और भारी बोल्डर हटाते ये टिहरी के लोग हैं। बारिश के कारण भूस्खलन और बोल्डर गिरने की यहाँ घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, जो काम जेसीबी से होना चाहिए था, उसे खुद मजदूर बनकर ये ग्रामीण हटाने को क्यों मजबूर हुए हैं, यह हम आपको आगे बताते हैं। दरअसल गुरुवार की ये तस्वीरें घनसाली क्षेत्र के गंगी गांव के धर्म सिंह की बेटी के पैर में चोट लग गई। गांव में अस्पताल ना होने के कारण परिजन बेटी को पीठ पर रखकर ही 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क तक किसी तरह लाए। इसके बाद वो सब गाड़ी से घनसाली अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन कुछ किलोमीटर ही चलने के बाद घुत्तू गंगी मोटर मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर गिरने से रास्ता बंद हो गया। जानकारी आई कि परिजनों ने प्रशासन को उसकी सूचना दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने बताया कि नज़दीकी जेसीबी की मशीन भी थी, लेकिन मशीन के चालक से बात की तो चालक ने कहते हुए बोल्डर हटाने से इनकार कर दिया कि मशीन हाईवे की सड़क के लिए है, इन छोटी सड़कों के लिए नहीं। आज एक लड़के को पेट में उठा के लाया था घन सावल से, वो पत्थर फाड़े, वहाँ पे लेडीज भी थी और 8-10 आदमी ने हमने पत्थर फाड़ा, तब सबल से वो गिराया, तब जाके गाड़ी पास की। अब मशीन वाले को बोला, उसने बोला मेरी मशीन खराब हो रखी है। निराश और मजबूर होकर परिजनों ग्रामीणों ने खुद ही बोल्डर हटाने शुरू कर दिए। लोगों ने बोल्डर को सब्बल से काटा और फिर सड़क से हटाया। करीब 2 घंटे तक ये मशक्कत चलती रही और धर्म सिंह की बेटी दर्द से गुजरती रही। ये भी जानकारी सामने आ रही कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बंद सड़कों की लिस्ट में इस मोटर मार्ग का नाम नहीं था। आपदा प्रबंधन विभाग की लापरवाह प्रणाली लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। साफ है कि आपदा प्रबंधन विभाग लोगों को सड़कें बंद या खुली होने की सटीक सूचना भी नहीं दे पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। Thank you.